तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रियलमी C20 को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो भी मोबाइल हो, किसी भी मॉडल का, जब भी आप फैक्ट्री रीसेट करोगे, आपको उस मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फैक्ट्री रीसेट किया तो जब लॉगिन के लिए वो सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो याद रखना, या तो आपको मोबाइल फॉर्मेट करने से पहले या रीसेट करने से पहले आपको वो अकाउंट अपने सेटिंग से जो ईमेल आईडी है वो रिन्यू करना होगा। तो ये आप देख रहे हो मोबाइल रियलमी का C20। तो अभी मैं आपके सामने इस मोबाइल का अकाउंट को रिमूव करके रीसेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग में। अभी ये जो मोबाइल कस्टमर का मेरे पास आया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको रीसेट करूँगा तो मुझे ये वापस से जो ईमेल आईडी इसके अंदर लॉगिन है वो मुझे पूछेगा और इसका पासवर्ड पूछेगा। ईमेल तो मुझे पता है लेकिन पासवर्ड मुझे पता नहीं है। अगर चाहिए तो पासवर्ड को मैं फॉरगेट पासवर्ड करके कर सकता हूँ। लेकिन अब हम ये मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं क्योंकि यूज़र ने बोला है कि उसको फुल्ली फॉर्मेट चाहिए मोबाइल। तो हम पहले जो इसमें अकाउंट है उसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यूज़र एंड अकाउंट, जो थर्ड ऑप्शन में है लास्ट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है गूगल अकाउंट, ऑफिस, ट्रू कॉलर और व्हाट्सएप। तो हमें रिमूव करना है गूगल अकाउंट, तो हम क्लिक करेंगे गूगल अकाउंट पे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो ईमेल आईडी, तो हमें इस दोनों ईमेल आईडी को निकालना ज़रूरी है। तो हम पहले एक ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी परमिशंस हैं। तो ऊपर में यहाँ पे थ्री डॉट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव, फिर हम उसको रिमूव करेंगे, रिमूव अकाउंट। तो हमारा एक अकाउंट रिमूव हो चुका है, तो हम अभी ये दूसरा वाला भी अकाउंट रिमूव करेंगे। इसको भी सेम ऑप्शन। तो यहाँ पे जाएंगे रिमूव अकाउंट। ओके, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मोबाइल हैंग हो रहा है इसका, तो देखेंगे थोड़ा देर। तो गाइस, मुझे वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने इसमें से यूज़र जो ईमेल आईडी था हटाने के बाद मोबाइल हैंग करने लगा। तो अब मैंने दोनों ईमेल आईडी इसमें से रिमूव किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। आपको बता दूंगा यूज़र अकाउंट, तो यहाँ पे अभी वो जीमेल अकाउंट हट चुका है, तो हम इसको अभी रिसेट करेंगे। तो गाइस, अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे एडिशनल सेटिंग जहाँ पे फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन होता है। तो बहुत मोबाइल हैंग कर रहा था तो वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे एडिशनल सेटिंग। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग आप देख रहे हो, एडिशनल सेटिंग। फिर हमें नीचे आएंगे ऐसे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे लिखा है बैकअप एंड फैक्ट्री रीसेट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बैकअप एंड रिसेट, फैक्ट्री रीसेट जो बैकअप एंड रिस्टोर, और बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपको डेटा रखना है तो आप डेटा भी रख सकते हो। अगर आपको डेटा पूरा निकालना है तो आप डेटा भी निकाल सकते हो। तो मुझे अभी
मोबाइल को फुल रिसेट करना है, मुझे इस डिवाइस में कुछ भी नहीं रखना है, तो मैं इरेज ओल्ड डेटा फैक्ट्री रिसेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर है इरेज ओल्ड डेटा, इरेज डाउनलोड एप्स एंड देयर डेटा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि जो भी मैंने डाउनलोड किया है या ऐप भी वही अनइंस्टॉल हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि फुल्ली अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इरेज ऑल डेटा करेंगे। यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा इरेज डेटा, तो हम इरेज कर देंगे। तो इरेज डेटा, तो थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 मिनट के लिए मोबाइल सेट होने के लिए। तो आप ऐसे आपके पास जो भी मोबाइल है जैसे कोई भी मॉडल का, आप ध्यान में रखना कि पहले आप जीमेल अकाउंट को उस मोबाइल से रिमूव करने की, अगर आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है तो आप डायरेक्टली रिसेट कर सकते हो, वरना अगर मोबाइल रिसेट होने के बाद आपको वो बार बार ईमेल आईडी का जो प्रीवियस आपने ईमेल आईडी जो मोबाइल को डाली है वो आपको पूछेगा, और उसका पासवर्ड अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो मोबाइल को आप अनलॉक नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए आपको मोबाइल को फ्लैश सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा। तो ये हमारा ईजीएस मेथड है जो हम पहले यूज़ करते थे, तो अभी भी हम यही यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस इसमें इतना हो गया है कि डिवाइस आपका ईमेल आईडी लॉक कर लेता है, तो उसको पहले हमको रिमूव करना पड़ता है। अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो गया तो कोई भी आपका मोबाइल रिसेट करना चाहेगा तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो उसमें लॉक हो जाती है। तो जब तक वो उस ईमेल आईडी को रिमूव नहीं कर सकता है तब तक वो मोबाइल को रिसेट नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे मोबाइल को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पैटर्न लॉक डाल के आप अपना मोबाइल आप कैरी करना। तो ध्यान रखें कि आप अपना मोबाइल सेफ यूज़ करें और अच्छे से यूज़ करें। आप अपने घर बैठे अपना मोबाइल अगर हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है, या आपको मोबाइल रिसेट करना है, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो और अपना मोबाइल को रिसेट फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो। तो कोई शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए, आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हो। ऑलमोस्ट मोबाइल रेडी हो चुका है गाइस। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और गाइस शेयर तो ज़रूर करना, थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम तो लगेगा क्योंकि पुराना थोड़ा मोबाइल है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट, सिलेक्ट रीजन, यहाँ पे आएगा सिलेक्ट रीजन, तो यहाँ पे आई एग्री एग्री नेक्स्ट। तो हम पासवर्ड वाईफाई पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम स्किप करेंगे। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे मोर मोर एक्सेप्ट लेटर, जो भी आपको पैटर्न लॉक बदलना है आप डाल सकते हो, अगर चाहिए तो आप बाद में भी डाल सकते हो। तो मैं लेटर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहे तो हम लेटर कर देंगे, हमें अभी ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पासवर्ड डालने के लिए, तो इसको भी हम लेटर कर देंगे। जो भी बेसिक है हम वो सेटिंग करेंगे। मोबाइल लोडिंग हो रहा है तो थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली रेडी हो चुका है, गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो अब मोबाइल पहले जैसे हो चुका है। तो आपको जैसे चाहिए आप अभी यूज़ कर सकते हो। नया ईमेल आईडी आपको चाहिए तो नया ईमेल आईडी, अगर आपने जो ईमेल आईडी रिमूव किया है उसी को भी आप डाल सकते हो, और अपना जो भी डेटा आपने ईमेल आईडी पे सेव किया है क्लाउड पे वापस आप उसका डेटा ले सकते हो, अकाउंट का कॉन्टैक्ट
अब जो भी आपने उस ईमेल आईडी में सेव किया है आप उसको रिस्टोर कर सकते हो सेम ईमेल आईडी पे। अगर आपको सेम ईमेल आईडी नहीं डालना है तो आप न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करके आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी को मोबाइल बेच रहे हो तो ये आपको याद रखना होगा कि आप अपना मोबाइल किसी को भी बेचने के टाइम आप मोबाइल को फुल्ली फैक्ट्री रिसाइड करके बेचना। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और धन्यवाद सबका। और गाइज प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।